हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन आपका स्वागत करता हूँ हमारी एक नई फ्रेश वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मेरे पास यहाँ पे दो मोटर्स हैं। सो फ्रेंड्स, आज तक आपने इन दोनों मोटर्स को डीसी वोल्टेज से तो बहुत बार रन करवाया होगा, जैसे 6 वोल्ट, 12 वोल्ट एंड 24 वोल्ट। लेकिन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इन दोनों मोटर्स को डायरेक्टली 220 वोल्ट में अटैच करेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी दोनों मोटर्स का क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दोनों मोटर की टेस्टिंग करवा देता हूँ कि यहाँ पे हमारी दोनों मोटर वर्किंग है। सो फ्रेंड्स, इसे टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एक 12 वोल्ट की बैटरी लूंगा। सो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे हमारी मोटर की शाफ्ट के ऊपर एक टेप का पीस अटैच करूंगा, जिससे कि हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे हमारी मोटर रोटेट हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इस मोटर को बैटरी से ऑपरेट करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे हमारी ये छोटे वाली मोटर वर्किंग है एंड फ्रेंड्स, अभी सेम वाइज मैं यहाँ पे हमारे बड़े वाली मोटर को टेस्ट करूंगा। सो फ्रेंड्स, इस मोटर को टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे दोबारा से एक टेप का पीस अप्लाई करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इसको भी टेस्ट करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे हमारे बड़े वाली मोटर भी रन कर रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम बैटरी को साइड में रखते हैं एंड फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे हमारी दोनों मोटर को डायरेक्टली 220 वोल्ट में अटैच करके देखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आप ऐसे कुछ भी घर पे ट्राई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स, ये रिस्की हो सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी मोटर को 220 वोल्ट की पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पे एक पावर सॉकेट का यूज करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी सबसे पहले हम इस पावर सॉकेट की पावर सप्लाई चेक करते हैं कि इसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले मैं हमारे मल्टीमीटर को 600 वोल्ट पे सेट करूंगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी यहाँ पे 254 वोल्ट आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ से हमारे मल्टीमीटर को रिमूव करूंगा एंड इसमें हमारे मोटर को अटैच करूंगा एंड 1, 2, 3 स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि जैसे मैंने हमारी मेंस पावर सप्लाई को ऑन किया, सो फ्रेंड्स, यहाँ मोटर में से एक काफी बड़ा स्पार्क क्रिएट हुआ एंड इसके बाद हमारी मोटर यहाँ पे बंद हो गई। सो गाइस, अभी मैं यहाँ से हमारे पावर सॉकेट को ऑफ करूंगा एंड अभी मैं यहाँ से हमारी दोनों वायर्स को रिमूव करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे हमारे बड़े वाली मोटर को टेस्ट करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सेम भाई, सबसे पहले मैं हमारी दोनों वायर्स को मेंस के अंदर अटैच करूंगा। एंड फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ से स्विच को ऑन करूंगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि जैसे मैंने यहाँ से हमारी पावर सप्लाई को ऑन किया, तो यहाँ से हमारी मोटर कुछ टाइम के लिए रन हुई एंड इसके बाद इसमें से काफी बड़ा स्पार्क क्रिएट हुआ एंड यहाँ से हमारी मोटर बंद हो गई। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ से हमारी पावर सप्लाई को ऑफ करूंगा एंड फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ से सेफली हमारी मोटर को रिमूव करूंगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जैसे हम यहाँ पे हमारी डीसी मोटर को मेंस में अटैच करते हैं, तो इसके अंदर एक स्पार्क क्रिएट होता है एंड फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे हमारी मोटर डैमेज हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इन दोनों मोटर को दोबारा से बैटरी के साथ अटैच करके देखते हैं कि यहाँ पे हमारी मोटर रन करेंगी या नहीं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि जैसे यहाँ पे मैंने हमारी मोटर की दोनों वायर्स को बैटरी के साथ अटैच किया, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी मोटर 5 to 6 सेकंड के लिए रन हुई एंड इसके बाद यहाँ पे हमारी मोटर स्टॉप हो गई। एंड फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे दूसरे बड़े वाली मोटर को टेस्ट करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे मैं हमारी मोटर की वायर को बैटरी से अटैच कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक स्पार्क क्रिएट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इसका मीनिंग है अभी यहाँ पे हमारी मोटर शॉर्ट हो चुकी है एंड अभी ये रन नहीं करेगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स, ऐसे ही और एक्सपेरिमेंट एंड इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।